आज की पवित्र आराधना में सबों का स्वागत है। हम आराधना आरंभ करें, आज का आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 81 पहला और दूसरा पद। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ डफ और मधुर, बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षियों की संख्या 75 साक्षियों ने 75। हे महावीर अद्भुत बलवान, पाप समर में भया जयवान। साक्षीवाणी 75।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा है। इसीलिए जो लोग उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उनका त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच एकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा कर दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरी निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लें, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरें और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। पत्री वचन हम सुने। आज के लिए जो ठहराया गया वचन है
वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पत्री उसके पहले अध्याय पद संख्या 15 से लेकर पद संख्या 23 तक। इफिसियों 1:15-23 परमेश्वर का वचन इसमें यों लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से चिल्लाकर स्वर्ग स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया पाताल में उतरा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर पापों की क्षमा देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आगे हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 345 हर एक हुए और दबे हुए प्राण बुलाता है तुझे देने को त्राण। साक्षीवाणी 345 Love.
सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुता से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पवित्र दिन तक जीवित स्वस्थ रखा है। आपने अपने अनुग्रह का हाथ हम सबों पर रखा है, इस कारण लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी हम आपके जीवित वचन को सुनना और मनन करना चाहते हैं। वचन की गंभीर शिक्षाओं की ओर हमारी अगुवाई कर, जिससे शांति और आनंद को हम सभी प्राप्त करें। प्रभु, हमारे मन के अंदर आपकी आत्मा को भर दे, ताकि आत्मिक बातों की ओर मन लगा सकें। यह प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आइए आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हम सुनेंगे, योहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 26 से अंतिम पद और 16 का 1 से 4 पद तक। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो आप मेरी गवाही देगा। हाँ, तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इसका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यहाँ तक। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह आशीष को बहुत ही नज़दीक से अनुभव कर चुके हमारे प्रिय माता पिता, आज के रविवार को एक सऊदी रविवार के नाम से हम जानते हैं और इसका अर्थ है मेरी सुन। आज हम इस धरती में विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और यह संकट का दौर हमारे जीवन में एक भयानक परिस्थिति को उत्पन्न किया है कि आज हम दुनिया की ओर नजर लगाते हैं, देश में देखते हैं कि सभी चीज बंद हो गए। जब लॉकडाउन आरंभ हुआ, सारे चीज बंद कर दिए गए, रोड सुनसान पड़ गया, रेल की पटरियां सुनसान पड़ी थी, आकाश में जहाज नहीं चल रहे थे, पानी में भी जहाज नहीं चल रहे थे। ऐसे समय में एक अबोध बालक भी आज सोचने लगा कि हमारी माता और पिता जो कंधे में बैठा कर गोदी में लेकर के चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप में कहाँ हमें ले जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, इन अबोध बच्चों के उन रोने के द्वारा यह मालूम पड़ता है कि ईश्वर की ओर हम ताकते हैं। ईश्वर इस चिलचिलाती धूप गंभीर परिस्थिति और परिवेश में हमारे जीवन को डाल करके अपने सच्चाई की ओर ले चलना चाहता है। प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन जहाँ योहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 17 पद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दे करके कहा था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज के समय ही चेतावनी दी थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे
अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखा है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, हम प्रभु की इन बातों को स्मरण करते और जान पाते हैं कि प्रभु ईश्वर ने जो हम सबों को अपने प्रेम रूपी संसार में रखा है और अपने प्रेम के विश्वास में दृढ़ किया है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमसे तुझ मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु के पास उसके प्रेम में बने रहने के लिए आते हैं। दुनिया में जब गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई, कभी किसी ने परमेश्वर के नाम को अपने होठों से नहीं लिया था, गंभीर परिस्थिति ने उसको हे प्रभु कहने के लिए प्रेरित किया। और आज परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं और परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। मेरी सुन, इसका यही अर्थ है कि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। और प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा। अर्थात वह सहायक पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु हमने उससे जाना है और वह पवित्र आत्मा हम में है। प्रियो, हम दुनिया में विभिन्न प्रकार के बातों के लिए प्रभु से मांगते हैं। हमने अपने जीवन की संपन्नता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन में आराम से जीवन जीने के लिए गाड़ियों के निमित्त प्रार्थना करते हैं, एक सुखद जीवन व्यतीत हो, सुखद जीवन व्यतीत हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए कभी हम प्रार्थना नहीं करते। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, और सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वह सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वह हमारे जीवन से और परमेश्वर के जीवन के लिए गवाही देगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों को यही कहा जब वह स्वर्ग पर उठा लिए जाने पर था, और उस स्वर्ग पर उठा लिए जाने के पूर्व अपने चेलों को कहा, आशीष दिया। हम प्रेरित एक में इस बातों को पाते हैं, प्रेरित एक अध्याय के 8 पद से आगे जब हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, हमने यीशु ख्रिस्त को यह भी आदेश और चेतावनी देते सुना कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, इसी यरूशलेम में बैठे रहो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, ईश्वर की गवाही जो पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में भेजा, इससे यह प्रमाणित होता है कि हम जब प्रेरित क्रिया 8:12 उसके 1 से आगे हम देखते हैं, वहां पाते हैं कि हेरोदेस राजा ने याकूब को मरवा डाला, और जब याकूब को मरवा डाला, उससे देखता है कि यहूदी लोग उसको मार देने के कारण आनंदित होते,
यीशु के शिष्यों को मारे जाने के कारण यहूदी लोग आनंदित हैं और इसलिए पत्रस को भी पकड़ लिया। और चूंकि जिस दिन उसे पकड़ा था वह दिन अखमीरी रोटी का दिन था और अखमीरी रोटी के दिन में किसी की हत्या करना अनुचित था, इसलिए उस दिन उसको पकड़ करके मार डालने के लिए पकड़ करके उसे जेल में डाल दिया। ख्रिस्त में विश्वासियों, जेल में पत्रस और जोहन्ना प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की भजन गाते थे, परंतु उसकी देखरेख के लिए राजा हेरोदेस ने 16 सिपाहियों को चौकस कर दिया। जिस कोठरी पर पत्रस रहता था, जंजीर से बंधा हुआ पत्रस था, उस कोठरी में 4 सिपाही लगा दिया। आगे का जो फाटक था वहां 4 सिपाही लगा दिया और उसके आगे दूसरा फाटक था वहां भी 4 सिपाही लगा दिया और जहां मेन फाटक था जहां से नगर खुलती थी, नगर का रोड दिखाई देता था, नगर के लिए लोग निकलते थे, वहां 4 सिपाही लगा दिया। ख्रिस्त में प्यारों, जंजीर से पैरों में जकड़े हुए वह पत्रस उस कोठरी में सो रहा था और 2 सिपाहियों के बीच में वह सोया था और उसके लिए लोग यहूदियों के भय से मरकुस के घर, माता के घर, मरियम के घर में वे प्रार्थना कर रहे थे, चेले जमा होके और लाव लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया लाव लगा करके प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थना का असर यह हुआ। लाव लगाने का अर्थ है, जब इंग्लिश भाषण को देखेंगे, प्रेयर विदाउट सीजिंग, प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिना रुकावट के प्रार्थना वे कर रहे थे, अर्थात तेजी से प्रार्थना कर रहे थे। दूसरा वर्षन को आप देखेंगे अर्नेस्ट लिखा हुआ, प्रेयर फॉर अर्नेस्ट, अर्थात उत्साह पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, उनमें उत्साह था और वह बिना रुकावट के प्रार्थना कर रहे थे, लाव लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। तब ईश्वर का स्वर्गदूत उस जेल में, बंदी गृह में आया और पत्रस की पसली को से उसे जगाया, आओ, उसे कहा उठ, जल्दी कर, जूता पहन, वस्त्र पहन और मेरे पीछे हो ले। जब वह जूता पहना, वस्त्र पहना, उसके पीछे हो लिया और उसके पीछे हो लेने पर फाटक अपने आप से खुल गया। पहला फाटक खुला और आगे बढ़ा, दूसरा फाटक खुला और आगे बढ़ा, मेन फाटक खुल गया और रोड में निकल गए। जब पत्रस सोच रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन वहां से जब स्वर्गदूत गायब हो गया, कहने लगा, सोचने लगा, सचमुच यह परमेश्वर की दया और सामर्थ है, उसकी गवाही उन्होंने दिया। और उस प्रार्थना के स्थल पर वह जाता है जहां प्रार्थना कर रहे थे चेले, लाव लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना जगह पर वह ठुक ठुकाने लगा दरवाजे, बंद दरवाजे को। एक रूदे नामक स्त्री सुनती है पत्रस का आवाज है, लोगों को दौड़ करके बतलाती है, द्वार नहीं खोला, लेकिन लोगों को दौड़ करके बतलाती है कि पत्रस आया है। उन्होंने उसे कहा तू पागल तो नहीं हो गई, परंतु जब वह निकट जाकर के देखते हैं सचमुच यह है। ख्रिस्त में विश्वासियों, पत्रस को अपने बीच में पा करके चेले आनंदित हो गए और परमेश्वर के गवाह का कारण ठहरे। निश्चय ही परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है, जिसका प्रमाण पत्रस के जीवन से हम पाते हैं कि परमेश्वर का गवाह वे बन गए। दूसरी ओर प्रभु का वचन कहा
जिससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहेगा। यीशु के गवाह उनके विश्वासी और चेले भी होंगे, और उसके गवाह के रूप में हम इसी प्रेरित उसके 3 अध्याय में पाते हैं, प्रेरित क्रिया 3 अध्याय कि एक जन्म के लंगड़े को पत्रस और जोहन्ना ने चंगाई दिया। यहाँ हम ऐसा पाते हैं प्रेरित क्रिया 3 अध्याय 1 से 8 पद में कि पत्रस और जोहन्ना मंदिर की ओर आराधना के लिए जा रहे थे, और एक जन्म के लंगड़े को जो सुंदर नामक फाटक था उसके पास बैठा दिया करते थे, और उस दिन भी उस सुंदर नामक फाटक पर वह जन्म का लंगड़ा भीख मांगने के लिए बैठा था। पत्रस ने जोहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, और वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वह लंगड़ा उससे हाथ पकड़कर उठाया, वह खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। यह अद्भुत गवाही है। यीशु के चेले जो गवाह देंगे, इसका प्रमाण पवित्र आत्मा का यह प्रमाण यहां मिलता है कि सचमुच यीशु के गवाह बन गए और उसके सामर्थ का गवाह बन गए। वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो हमें गवाही देने का सामर्थ देता है, उस गवाही को उन्होंने पाया। इसलिए आज हम जब इस धरती में विश्वासी जीवन जीते हैं प्रियो, ईश्वर के उस अनुग्रह रूपी कार्य में हम बने रहें, ताकि विभिन्न प्रकार की परिस्थिति और दुख संकट के बीच में भी प्रभु हमारे जीवन को अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा संभालता है। आगे वचन हम पाते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता। ऐसा इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते। ख्रिस्त में विश्वासियों, या संकट और विपत्ति के समय का यह वर्णन हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। मसीहों के जीवन में संकट आएगी, मुसीबतें आएगी, और उस मुसीबत के बीच में भी उस विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन को सामर्थ देगा, और उस बड़ी सामर्थ के द्वारा हम सबों को परमेश्वर अपने अगुवाई में ले चलेगा। विश्वासियों, आज हम ऐसे समय में संकट के घड़ी में ठोकर ना खाएं। साउल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, वह उसके विषय में यहां वचन कहता है प्रेरित 26 का 11 पद में, वह इस बात का स्पष्टीकरण देता है, हर आराधनालय में मैंने उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ईश्वर के उस अनुग्रह और प्रेम और आत्मा के सामर्थ को बिना समझे ये साउल उन्हें सताता था, लेकिन वही व्यक्ति आगे चल करके परमेश्वर के सामने ठोकर खाते हुए भी उसके परमेश्वर के उस दया अनुग्रह रूपी आशीष को ग्रहण करता है, अनुभव करता है, अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए
प्रभु में समर्पित होता है और उसके जीवन को प्रभु मृत्यु पर्यंत अपने सामर्थ्य हाथों से संभाला और वह हर प्रकार के दुख और तकलीफ में भी कभी परमेश्वर का इनकार उसके बाद नहीं किया। साउल से वह पौलुस बन गया, पौलुस बनने के बाद प्रभु परमेश्वर के दया और अनुग्रह में आगे बढ़ा। क्रिस्त में विश्वासियों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पाते हैं कि संकट के घड़ी में जो कोई भी हमें सताता है वह याद जान लेता कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। यीशु ख्रिस्त को भी लोगों ने सताया, उस पर दोष लगाया, और इसको हम लूका रचित सुसमाचार के 4:16 से आगे हम पाते हैं, विशेष रूप से 25 से आगे जब हम देखते हैं कि वह नासरत में यीशु का अनादर किया गया और यीशु ने उन यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सरपत में एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चलकर उसे वहां से नीचे गिराना चाहते थे, परंतु वहां से यीशु निकल पड़ा। ख्रिस्त में विश्वासियों, यीशु ख्रिस्त को मार डालना चाहते थे नासरत में, परंतु वहां से निकल गए। इससे हम यह जान लेते हैं कि यहूदी जो लोग थे जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक समझते थे, लेकिन ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना और इस संकट के घड़ी में उसे ढकेला। संकट हमारे जीवन में आएगा, हम ठोकर ना खाएं। निश्चित रूप से मसीही जीवन में संकट आना स्वाभाविक है और संकट की घड़ी में हम ठोकर ना खाएं। वह सिमोन पत्रस जिसने यीशु के पीछे विश्वासता के साथ चलने के लिए अंगीकार किया था, उसने यीशु से कहा कि यदि मुझे मरना भी पड़े तो भी कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। वह ठोकर खाया, 3 यीशु को इनकार किया। ख्रिस्त में विश्वासियों, यीशु इस वचन के द्वारा यह इशारा दे रहे थे कि जैसी पीड़ा उन्होंने उठाई वैसे ही उनके शिष्य भी पीड़ा उठाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई ना कोई पीड़ा सहन करता है, वह किसी चोट या बीमारी की सारी पीड़ा को ही हो सकती है, वह मित्रों के द्वारा इनकार किए जाने की साधारण अकेलेपन से आंतरिक पीड़ा हो सकती है। कारण कोई भी क्यों ना हो, हम सभी यहां जहां तक संभव हो उसके टालने की कोशिश करते हैं। संभवतः यही वह कारण है कि मसीही लोग इस विषय को प्रयास टालते हैं, हालांकि यह बाइबल में स्पष्ट रीति से प्रस्तुत किया गया है। कई मसीही यह सोचते पाए जाते हैं कि प्रभु दुख पीड़ाओं से हमें संरक्षण देगा क्योंकि हम उसी के हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान इस संसार का राजकुमार है और हम सभी एक बेहतर स्थान की तलाश करने वाले अजनबी और शरणार्थी हैं। आज संसार में करोड़ों
राजनैतिक शरणार्थी हैं और कई स्थानों पर सुरंग में बिखरे हुए हैं। वह उन स्थानों पर जिन्हें हम छोड़ चुके हैं वापस जा नहीं सकते और जिन स्थानों पर हमें जाने की आशा है उन स्थानों तक अब तक नहीं पहुंच सके। संसार की रीति के अनुसार हमारी वर्तमान दशा प्राय दुखी तुच्छ और अभागी रूप में है, परंतु फिर भी पहले कुछ हम विश्वासियों के पास था उसके परे जाकर हम लोगों ने इस दशा को चुना है और बेहतर भविष्य की आशा में जीवित है। आज विश्वासियों की दशा बहुत कुछ ऐसा ही है। एक मसीही विश्वासी पाप की दुनिया को छोड़ दिया है और अपनी पुरानी जिंदगी को इनकार करके स्वर्ग या राज्य की ओर एक तीर्थयात्री की तरह निकल पड़ा है। और जब तीर्थयात्री की तरह निकल पड़े हैं तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन को सामर्थ्य देता है और वह सामर्थ्य हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अगुवाई करता है। परमेश्वर के निकट उसके सन्निधि में आने का हमें अवसर देता है, उसके निकट आने में हमें अवसर देता है। प्रियो, हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था और 100 वर्ष की उम्र में एक बहुत अंतराल में जब उसका एक बेटा हुआ, परमेश्वर ने कहा इसे मोरिया पहाड़ पर ले जाकर के बलिदान कर दी। वह उस बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, उसे मोरिया पर्वत ले गया। इससे अब हम समझ पाते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया। आज मसीही विश्वासियों, आज ऐसा ही परमेश्वर से हम प्रेम रखें ताकि परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह हमें अगुवाई करे। अंत में जब हम इस वचन में पाते हैं ऐसा इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैं इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैं तुमसे पहले कह दिया था। क्रिस्त में विश्वासियों, आज हम अपने पिता को ठीक से समझ सके, हमें पिता को जानने और समझने की आवश्यकता कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कैसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर को जाने और पिता की महत्व को हमारे लिए आवश्यक है उसे भाली रीति से समझें। पिता परमेश्वर ने हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि पापी मनुष्य पाप से बचाया जाए और उन्हें बचाया। आज परमेश्वर पिता के उस अनुग्रह को हम समझ सके, उसके प्रेम को हम समझे। मैं एक उदाहरण देता हूं जो इंटरनेशनल प्रचारक ने उस उदाहरण को दिया था। एक गांव में एक गरीब परिवार था, उसका एक बेटा था और गांव के कुछ दूरी में एक मेला लगी हुई थी। मेला का आवाज उसके घर तक पहुंच रहा था। बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी हमें मेला देखने के लिए ले चलो। बेचारा, उसके बाप के पास पैसे नहीं है। बेटे के जिद पर वह तैयार हो गया, मेला चला गया और मेले में पहुंचते ही एक दुकान को उसने देखा, गुड़िया और बोल का दुकान। वह जिद करने लगा, गुड़िया और बोल, गुड़िया बोल, गुड़िया बोल करने लगा और रोने लगा। बाप ने समझाया, बेटा लौटते समय हम लोग खरीदेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, एक गन्ना का रस वाला दुकान देखा, रोने लगा, गन्ना का रस, गन्ना का रस। बाप बेचारा, पैसा नहीं है, समझाना पड़ा, बेटा लौटते वक्त ज्यादा प्यास लगेगी, उस समय हम लोग खरीदेंगे। और आगे चलते चलते जब देखता है एक बड़ा सा झूला और उस झूले को देख करके ऊपर नीचे
ऊपर नीचे तकते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा और अपने बाप कहीं भीड़ में छोड़ दिया बाप को। जब वह झूला के पास देखता है, पीछे देखता है, इधर देखता है, आगे देखता है, कहीं उसका बाप नहीं है। रोने लगा, बाबा बाबा बाबा। एक सिक्योरिटी गार्ड रोते हुए उन्हें देखा और जब सिक्योरिटी गार्ड गया, रोते हुए कहा, गन्ना का रस। उसने दौड़ करके गन्ना का रस लिया, लेकिन नहीं लिया, उसे रोता रहा, बाबा बाबा, पिताजी उसे चाहिए। और ऐसा बोलते बोलते हो सकता है बेटा सोचने लगा उस गुड़िया का दुकान में होगा, गुड़िया और बोल बोला था वहां होगा, वहां बोलने लगा, गुड़िया बोल। वहां चला गया सिक्योरिटी गार्ड, गुड़िया और बोल खरीद के आया, उससे भी नहीं लिया, मिठाई खरीद के लिया, उससे भी नहीं लिया, केवल पिताजी चाहिए। ख्रिस्त में विश्वासी उस उदाहरण से आप इस बात को स्मरण करते हैं, एक पिता का महत्व जीवन में कैसा है। सब कुछ हमें मिल जाए वह पिता के द्वारा ही मिलती है। आज पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसे हमें देता है, और उस पवित्र आत्मा के अलावा सब कुछ दुनिया में जो कुछ है हमारा, जो आज हम तक हासिल किए हैं, आज तक हम जो कुछ हासिल किया है, सब कुछ परमेश्वर पिता ने दिया है। इसलिए प्रियो, उस बच्चे के समान लालसा रखने की आवश्यकता है पिता का, पिता ईश्वर का लालसा रखने की आवश्यकता है। आइए इस धरती के जीवन यात्रा में हम प्रभु के इस अनुग्रह में आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य के खोजी बने, ताकि जो संपन्नता हमें प्रभु के द्वारा मिलती है वह पिता परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इस अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के लिए प्रभु उसके सम्मुख समर्पण होकर के पवित्र आत्मा के निमित्त हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा प्रभु देगा, वह सत्य का आत्मा हमें सामर्थ्य करके इस दुनिया में परमेश्वर के महिमा और उसके सुसमाचार की गवाही देने के लिए हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर इन वचनों पर अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अति महान प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य, कि तेरे आत्मिक सामर्थ्यता के कारण हम इस दुनिया में तेरे पवित्र नाम की बढ़ाई करने पाए, सुसमाचार की ज्योति को दुनिया तक फैलाने सके और इस रीति से जगत में प्रभु तेरे शांति को हम प्राप्त करने पाए। पिता ईश्वर, तेरे हाथ में हम समर्पित होते हैं, हमारा जीवन तेरी ही महिमा करने पाए, तुझ में बने रह करके तेरे आशीष को हम अनुभव करने पाए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, यह प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आपसे सदा सर्वदा लूं, आमीन। आगे हम लोग गीत गाएंगे साक्षियों ने 349 प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बड़े और दृढ़ाए जाएं। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत की गवर्नर, राज्य के सभा मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीर्वाद दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेसन काउंसिल और कलीसिया कर्ण मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रसन्न संस्थाओं, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के साकेती और दुख में, उनको शांति दे। पिता, आज जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, वह तेरे नाम के निमित्त जो गिरजसिर ने एकत्रित किया जा रहा है परिवार में या समूह में, जिस रूप से प्रभु से तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक देने वालों को तो विशेष रूप से आशीष दे प्रभु कि संकट घड़ी में प्रभु तेरे प्यारों ने, प्रभु हमने प्रभु जमा करके दिया है, इसे आशीष दे अपने राज की वृद्धि में इस्तेमाल कर। हे पिता, उसके साथ प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में प्रभु, हमारे देश में, हमारे शहरों में प्रभु, गांवों में, जो भी सरकार प्रशासन की ओर से या स्वयं सेवक की ओर से जो भी कार्य किया जा रहा है इस बीमारी से बचने के लिए, कोरोना से, तो सहायता कर सब फलवंत होने पाए और हम लोग सभी को इससे छुटकारा पा सके। पिता, तेरे नाम के निमित्त जो भी व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से जो भी सेवा कर रहे हैं, उन्हें बहुत आशीष दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का ताए ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्थापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सी पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। औरों को परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और मातम सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासियों दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। करते हैं तुझको
मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान, आ संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
सागर।